जी हाँ, वैसे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जेब पर कितनी मार पड़ रही है, लेकिन साथ ही ये सोचकर भी मैं हैरान हूं कि हम बात प्याज की कर रहे हैं। जी हाँ, वही प्याज जो आज 50 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। देश में प्याज को लेकर हंगामा भी हो रहा है और सियासत भी हो रही है। सियासत प्याज पर होती आई है और एक बार फिर से हो रही है, और वही देश भर से प्याज को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। कहीं पर तिजोरी में प्याज को रखा जा रहा है, कहीं पर पटना की अगर बात करूं तो हेलमेट लगाकर लोग प्याज बेच रहे हैं, बनारस में तो प्याज के लिए जानते हैं आप क्या हो रहा है, लोन मिल रहा है, आधार कार्ड को गिरवी रखा जा रहा है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्याज चोरी की खबरें आ रही हैं। वहीं बेंगलुरु की बात करूं तो डोसे में, पिज्जा में इसका इस्तेमाल या तो कम कर दिया गया है या फिर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि महंगे प्याज की वजह से लोगों की थाली रोज कितनी ज्यादा महंगी हो गई है, या तो थाली से प्याज गायब हो गया है या फिर आप समझ लीजिए थाली की जो कीमत है वो ज्यादा हो गई है। तो नाश्ते में 20 से 30 रुपए प्रतिदिन, लंच में 60 रुपए प्रतिदिन और डिनर में 80 से 100 रुपए प्रतिदिन, 6 लोगों के परिवार पर प्याज का खर्च इस समय आप बाकायदा आंकड़ों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह प्याज जो है वो आपकी पॉकेट पर असर डाल रही है, आपकी जेब पर असर डाल रही है, और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इसका सीधा असर पड़ रहा है आपकी, आपके बजट पर, क्योंकि रसोई में अगर प्याज ना हो तो खाने में स्वाद नहीं होता, और प्याज अगर महंगी हो तो आपका बजट बिगड़ जाता है, जो कि इस वक्त हो भी रहा है। 50 से 100 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रही है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे लोगों ने हेलमेट लगाना, किसी ने आधार कार्ड गिरवी रखना, ये वो तस्वीरें। शहर शहर कोहराम मचा है। सर्दी के इस मौसम में एक नया मुद्दा गर्म है, वो है प्याज की कीमत। हर तरफ बस प्याज की चर्चा हो रही है। जो लोग खुद सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन प्याज को लेकर फैसला करना है। अमूमन सब्जी खरीदने वाले लोग खरीदारी की शुरुआत प्याज, आलू और टमाटर से करते हैं, लेकिन प्याज का रेट ऐसा हाई है कि शुरुआत में ही सब्जी खरीदने का बजट बिगड़ जा रहा है। सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्याज की कीमत से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। खाने की एक बेहद अहम सामग्री है प्याज, चाहे बात सलाद की हो या फिर सब्जी बनाने की, सलाद बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन इन दिनों प्याज के दाम इतने हैं कि उसकी वजह से जेब में सेंध लग रहा है। इस वक्त हम नोएडा की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर प्याज के दाम की बात की जाए तो यहाँ पर प्याज 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। हालांकि अगर आप ऑनलाइन प्याज मंगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको 90 रुपए से 100 रुपए तक प्याज मिल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो होलसेल का यहाँ काम करते हैं। सर, आज मंडी में किस भाव पर प्याज बिक रहा है? मैम कह रहा मैं 60 रुपए किलो तक बिकी है होलसेल में, जो अच्छी प्याज है। हाँ। और जो हल्के दाम की प्याज है वो 45, 44, 48 थोक के दाम रिटेल में बेच रहे हैं 70 रुपए किलो, 70 पैसे। दिल्ली के पास नोएडा में प्रशासन ने लोगों को 35 रुपए किलो प्याज दिलाने का दावा किया था। नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट ने 40 रुपए प्रति किलो से अधिक रेट पर प्याज न बेचने का आदेश जारी किया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। प्याज के दाम आसमान पर हैं, लेकिन नोएडा में 35 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, और 35 रुपए किलो प्याज जब आप लेने आएंगे तब आपको इसकी हकीकत भी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 35 रुपए किलो जो प्याज है वो सिर्फ पोस्टर में मिल रहा है, हकीकत में यहाँ पर जो प्याज का दाम है वो 70 रुपए प्रति किलो है। यहाँ पर ये जो पोस्टर है ये लगा दिया गया है कि प्याज यहाँ पे 35 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों का ये कहना है कि जब उन्हें ही प्याज महंगा मिल रहा है तो 35 रुपए किलो की दर पर प्याज कैसे बेच सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी सरकार ने लोगों को 35 रुपए प्रति किलो प्याज देने का वादा किया, लेकिन जरा हालात देखिए। प्याज की एक छोटी सी गाड़ी के पीछे लोगों की लंबी लाइन लगी है। इन तस्वीरों से मालूम चलता है कि 1 किलो प्याज के लिए लोग कितनी मेहनत करने को तैयार है। पटना में घंटों इंतजार के बाद 1 किलो प्याज मिल जाता है, लेकिन जिनका परिवार बड़ा है उनके लिए 1 किलो प्याज नाकाफी है। दिल्ली से लेकर तमाम शहरों तक प्याज की कीमत फिलहाल 70 से 100 रुपए तक है। लोगों ने कुछ दिन तक तो सब्र रखा, लेकिन अब प्याज पर सियासत भी शुरू हो गई।
लोग प्याज के मामले पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। हमको अपने सुरक्षा का चिंता है, जैसे कल आप जानते हैं कि आरा में कल पत्थरबाजी हुआ था जिससे काफी लोगों को चोट लगी थी, और हम लोग को प्याज भी बेचना है और अपनी सुरक्षा खुद करनी है। पब्लिक जो है आपस में जो है मतलब कि पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है, इसलिए हमको अपनी सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट पहन के मतलब कि प्याज करना पड़ रहा है। वाराणसी की तस्वीर तो और भी दिलचस्प है। वाराणसी में विरोध के तौर पर गहने बेचने वाले एक दुकानदार ने प्याज को तिजोरी से लेकर शोकेस तक में सरा दिया। यहाँ प्याज खरीदने के लिए लोन ऑफर किया जा रहा है। कुछ महिलाएं यहां पर अपने जेवर गिरवी रखकर प्याज दे रही हैं। मैं तो पाल रखकर प्याज लेने आई हूं गिरवी सोनार के दुकान पे। घर में प्याज नहीं था, पैसा नहीं था, इसीलिए लोन पर प्याज मिल रहा है, 100 रुपया किलो प्याज मिल रहा है, वही ले रहे हैं पाल रखकर। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश में मुद्दों की कमी से जूझ रही कांग्रेस को प्याज के तौर पर एक नया मुद्दा मिल गया है। महंगाई उसके साथ साथ बढ़ रही है, तो ये चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि सरकार को अब गंभीरता से लेते हुए इसको मानना चाहिए, सदन में मानना चाहिए, लोकसभा चल रही है वहाँ मानना चाहिए कि वाकई देश की आर्थिक स्थिति जो है वो चिंताजनक है। गुवाहाटी में भी कांग्रेस के MLA प्याज की माला पहनकर विधानसभा में पहुंचे। सूरत में प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, थोक रेट 85 रुपए का है। ऐसे में अब महिलाओं ने प्याज खरीदना जारी तो रखा है, लेकिन जायके में कटौती जरूर हो गई है। भी कांदा ऐसी चीज है जो हर सब्जी में यूज होता है, उसके बगैर कोई भी चीज खाने की बननी मुश्किल है, तो लेना तो पड़ेगा ही। अब सवाल है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से प्याज इतना महंगा हो गया। पहली वजह, इस बार मानसून के दौरान जोरदार बारिश को माना जा रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस साल भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा और निर्यात नहीं रुका। 5 महीने तक लगातार मॉनसून होने की वजह से किसानों को न तो प्याज बोने का समय मिला है, न प्याज निकालने का। जो बोई हुई प्याज थी, जब उसको निकालने का समय आया, तब भी मॉनसून बारिश इतना ही जोरों से था, और वह बारिश की वजह से किसानों को खुद के खेतों में से प्याज न निकालने का मौका मिलने से पूरा जमीन के अंदर ही प्याज सड़ गया। प्याज के आयात का ऑर्डर देने में भी सरकार ने देरी की। देश में प्याज की भारी मांग की जानकारी होने के बावजूद पहले सिर्फ 4500 टन प्याज आयात किया गया। इससे बात तब बनती देख, अब हाल ही में 1,00,000 टन प्याज के आयात का ऑर्डर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये प्याज दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक भारत पहुंचेगा, और उसके बाद हालात कुछ बेहतर होने के आसार है। रूफी जदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे प्याज के दामों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लोगों को रुला क्यों रही है प्याज। तो 15 तारीख का अगर 15 मई की यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, और उसके बाद 15 नवंबर की बात करूँ, तो आप देखिए किस तरह दामों में बढ़ोतरी हुई है। वही जो प्याज 21 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, उसके दाम बढ़कर हो गए हैं 65 रुपए, यानी 3 गुना से ज्यादा अब दिल्ली में रहने वाले लोग इस पर खर्चा कर रहे हैं। मुंबई में देखिए, मुंबई में 17 रुपए किलो की प्याज थी, वो आज की तारीख में 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए लोगों की पॉकेट पर कितनी ज्यादा मार पड़ रही है। कोलकाता भी ज्यादा पीछे नहीं है मुंबई से। 20 रुपए प्रति किलो की जो प्याज मिल रही थी 15 मई 2019 को, यानी करीब 6 महीने पहले, उसी प्याज का हाल आप देख लीजिए, अब 70 रुपए प्रति किलो है। और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन का हाल आपको दिखा रहे हैं, 16 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रही थी, वहां पर भी प्याज के दाम बढ़ गए हैं, और अब वही प्याज 43 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। देश भर में बात की जाए तो जो प्याज ऑन एवरेज 17 रुपए प्रति किलो की बिक रही थी, अब वो 60 रुपए प्रति किलो की बिक रही है। ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी कि हम प्याज पर ये शो लेकर क्यों आए, हम प्याज पर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बार बार ये देख और सुन रहे हैं कि प्याज ने आंसू निकाल दिए हैं, लोगों को रुला दिया है। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ का रुख कर लेते हैं। नीरज, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से ये जो महंगाई, ये जो प्याज में के दामों में बढ़ोतरी है, जिसका सीधा सीधा मतलब जेब पर एक्स्ट्रा मार, लोग उसे कैसे डील कर रहे हैं, और क्या लोगों को जल्द कोई राहत मिल पाएगी? बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से हम सुबह जो है गाजीपुर पहुंचे थे, वहां पे तमाम लोग जो पहुंचे थे प्याज लेने के लिए, वो सब लोग परेशान थे, क्योंकि प्याज के जो रेट थे वो आसमान छू रहे थे। और उसके बाद में अब हम पहुंचे हैं नई दिल्ली के इलाके में, जहां पर एक सिद्धार्थ जी हैं जो कि प्याज लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जब इन्होंने प्याज का रेट सुना
तो ये हैरान रह गए और इन्होंने जो प्याज 1 किलो लेनी थी वो अब इन्होंने 500 ग्राम ली है। सिद्धार्थ जी क्या लेने आए थे फिर अचानक से आपका मन बदल गया? मैं प्याज और आलू तो पहले लेना ही था बट भाव सुनकर मेरा थोड़ा वो हो गया तो मैंने सोचा कि 1 किलो लेने से आधा किलो लो अभी काम चला लो अपना जी। तो आधा किलो से हम काम चला रहे हैं। अच्छा कितना फर्क लग रहा है आपको पिछले कुछ दिनों के बाद में और आज में? पिछले जो सफल में मिल रहा था और मदर डेयरी में मिल रहा था उसके मुकाबले ये दाम बहुत है। सरकार को और कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि और लोगों को, जैसे हम लोग तो ठीक ठाक लोग हैं फिर भी जो गरीबों के लिए उनको सफल में ये देनी चाहिए कम भाव में ताकि लोगों को प्याज मिले। एक और शख्स है रियाज हैं जो कि काफी समय से प्याज का काम करते हैं, प्याज यहाँ पर बेचते हैं। रियाज कितना फर्क आपको लगा पिछले कुछ दिनों में और जब लोग आपके पास पहुंच रहे हैं तो क्या बोलते हैं कैसे इतनी महंगी हो रही है प्याज? मतलब हमसे पूछते हैं इतना महंगा क्यों हो रहा है, कि आपने तो निकल दिया तो हम कहते हैं मंडी भी महंगी है, मंडी जाके पूछ लो आप। तो हमारे काम में मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब कुल मिला के कमाई वमाई भी नहीं हो रहा है और ग्राहक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इतना भाव क्यों ज्यादा है, तो हम भी परेशान है इस चीज से बहुत ज्यादा। और इसके साथ तमाम और भी लोग हैं अदिति, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आंटी जी प्याज कितनी महंगी मिल रही है आपको? 80। अच्छा पहले कितनी लेते थे आप? पहले बहुत सस्ती थी और अब महंगी हो गई है। तो कितनी प्याज ली आपने? मैंने नहीं ली है। अच्छा तो देख सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जो कि प्याज का रेट यहाँ पर पता करने आ रहे हैं, उसके बाद जैसे ही पता लग रहा है कि प्याज इतना महंगा है तो कहीं ना कहीं जो उनका इरादा है खरीदने का वो उसको बदल रहे हैं, प्याज लेने में कोताही कर रहे हैं क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है और यहाँ तक कि जो आम आदमी की थाली है उससे जो प्याज है वो दूर हो गई है। जी बिल्कुल, हम तो अपने दर्शकों को बाकायदा आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे नाश्ते में प्याज, लंच और फिर डिनर में प्याज, कैसे अब एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी देखने को मिल रही है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि 15 मई और अब 15 नवंबर के दामों की तुलना करें तो प्याज के दाम कहाँ ठहरते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल हम ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, प्याज आंसू क्यों निकाल देती है। तो आपको बताते हैं क्यों होता है ऐसा। वैसे आप पहली इन्फॉर्मेशन तो देख ही रहे हैं, देश के कम हिस्सों में प्याज का उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा मांग वाली सब्जी कोई है तो आप जानते ही हैं प्याज, इसके बिना खाने में टेस्ट ही नहीं आता ज्यादातर लोगों को। हर साल बाढ़ और बारिश इस समस्या से इस फसल को, प्याज की फसल को नुकसान होता है। और वैसे भी महाराष्ट्र खास तौर पर अगर प्याज के उत्पादन की आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र के ही कुछ हिस्से हैं जहां पर प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और मौसम के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो प्याज बहुत ही संवेदनशील है। आप नीचे भी इन्फॉर्मेशन लगातार पढ़ पा रहे होंगे, इस बार भी बारिश की वजह से 30% प्याज की जो फसल है वो बर्बाद हुई है और ये वजह आप समझ सकते हैं, ये वो तमाम रीजंस हैं, ये वो तथ्य हैं जिनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्याज हर साल इसी तरह से सुर्खियों में क्यों आ जाती है। प्याज की कीमत बढ़ जाए तो आम आदमी रोता है और प्याज की कीमत कम हो जाए तो उसे सप्लाई करने वाला किसान रोता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लासल गांव की हैं। देश में सबसे अधिक प्याज इसी थोक मंडी से पहुंचता है, यहां पर हर तरफ प्याज ही प्याज नजर आता है। महाराष्ट्र के किसान इस मंडी में प्याज बेचने पहुँचते हैं। महाराष्ट्र की लासल गांव प्याज मंडी एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहीं से देश भर में प्याज की कीमत तय होती है। यहाँ गुरुवार को एक क्विंटल प्याज की कीमत 6500 रही, यानी 1 किलो प्याज की कीमत 65 रुपए। अब जब किसानों से ही 65 रुपए किलो प्याज मंडी में खरीदा गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके शहर तक पहुंचकर प्याज की कीमत क्या होगी। आप सोच रहे होंगे कि किसानों को इस वक्त बड़ा मुनाफा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहां आने वाले किसानों की आधी से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बारिश और बाढ़ से जितना प्याज बचा सके अब वही उनकी पूंजी है। सब कर्ज से पैसा उपलब्ध किया और ये प्याज लगाया, फिर प्याज लगाया, प्याज अच्छा था, अच्छा दिख रहा था, लेकिन ये जो दिवाली के बाद में बारिश आया तो प्याज पूरा नुकसान हो गया। ऐसा बोलो कि 100 में से 90% नुकसान हो गया। लासल गांव मंडी समिति की चेयरपर्सन सुवर्णा जगताप बताती हैं कि प्याज के बढ़ते दाम नियंत्रण में आने के लिए 1 महीने का वक्त लग जाएगा। जब ये 2 महीने भाव ऐसे ही रह सकते हैं
कम होने की चांसेस क्यों नहीं, क्योंकि जो अभी नया प्याज जो लेट खरीफ बोलते हैं वो आने की संभावना है, मतलब 15 जनवरी के बाद, मतलब जनवरी एंड तक आ सकता है। तो अगर वो आने के बाद फिर ये जो भाव हमको जो दिखाई दे रहा है जो बड़ा है, तो उसमें फिर संभावना है कि कम हो सकते हैं। अगर वो अगर फिर उसमें अगर पहले जैसा फिर उसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो फिर अगर आमद ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर मुझे लगता है कि ये भाव जो है थोड़ा फिर कम हो सकते हैं। वैसे व्यापारी इसके लिए मौसम के साथ साथ सरकार की नीतियों को भी कसूरवार मानते हैं। हमको तो डर लगा है कि जल्द से जल्द जनवरी महीने में आपको जो एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया है, जो बंदी लगाई है, उसको जल्द से जल्द हटानी पड़ेगी। दूसरी तरफ से जो माल आ रहा है वो प्रीमैच्योर होने की वजह से दो दो तीन तीन दिनों तक माल को सुखाना पड़ रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो हमको स्टॉक लिमिट 500 क्विंटल की दी हुई है, तो उसको या तो निकाल दे या तो फिर उसको दुगना तिगना कर दे, ताकि जो व्यापारी माल ले रहे हैं उनको दो दो तीन तीन दिन माल सुखा कर जो भेजना पड़ रहा है, तो वो माल व्यवस्थित तरह से और किसानों को भी अच्छे दाम हम दे पाएंगे। प्याज की फसल बर्बाद हुई, प्याज का भंडारण भी खत्म हो गया। अब राहत की उम्मीद सिर्फ प्याज की नई फसल से है, लेकिन प्याज की कीमत जल्द ही काबू में आ जाएगी, इसकी उम्मीद कम है। प्रोडक्शन में अप डाउन इतना है, वो डिमांड एंड सप्लाई का वो डिस्टर्ब कर बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है, और प्राइस कभी बहुत बढ़ते हैं तो कभी बहुत डाउन हो जाते हैं, यही कारण है उसका। अब जरा प्याज की इस कहानी को आंकड़ों में समझिए। देश में 50,000 क्विंटल प्याज की मांग रहती है, 25% प्याज नासिक से सप्लाई होता है। नासिक में 5,000 रुपए क्विंटल से कम प्याज नहीं बिक रहा। रिटेल मार्केट में प्याज की कीमत 10-30 रुपए बढ़ जाती है। जहां प्याज की सप्लाई सबसे अधिक होती है, वहां भी मंडी से निकलते ही प्याज की कीमत कैसे बढ़ती है, इसका अंदाजा मंडी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर नासिक के बाजार में हो जाता है। नासिक के रिटेल मार्केट में प्याज इन दिनों 70-80 रुपए किलो बिक रहा है। किसान के बाद थोक व्यापारी परिवहन की कीमत, दलालों का कमीशन, खुदरा व्यापारी का मुनाफा बहुत कुछ जुड़ता है। यही वजह है देश में इस वक्त प्याज की कीमत 80-100 रुपए तक है। किरण ताजड़े, जी मीडिया, नासिक। तो अगर आप किसी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो सोचिए जरा, प्याज कैन बी एन ऑप्शन। लेकिन बड़ी समस्या है, जाहिर तौर पर आपकी बजट पर, आपकी जेब पर इसकी मार पड़ रही है। उम्मीद है जल्दी आपको इससे राहत भी मिलेगी, हमें राहत मिलेगी।